उत्तराखंड के डोईवाला में जहां एक ओर बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर राजाजी पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में जंगली हाथी किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, आए दिन रौंद कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जीत कौर व पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह से गुहार लगाई और वन विभाग से वार्ता कर इस समस्या से निजात दिलाने का मांग किया। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने कहा कि वन विभाग द्वारा समय पर गश्त न होने की वजह से हाथी आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों पर जान माल का खतरा मंडरा रहा है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। राजाजी राष्ट्रीय पार्क से सुरक्षा दीवार न होने के कारण ये हाथी आबादी क्षेत्र में घुसते हैं और फसलों को तबाह करते हैं, और आदमी अपनी बहुत समय से अपनी फसल को उगाता है और ये दो मिनट में तहस नहस करके चले जाते हैं। अभी कुदरत की मार किसानों पर पड़ी है, ओलावृष्टि हुई है, सारी फसलें नाश हो गई हैं, किसान बहुत दुखी है। मैं वन विभाग की बहुत लापरवाही है, रात को कोई गश्त नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई जानवर को ये नहीं देख रहा है, कोई जानवर कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, और मैं वन विभाग से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रात को गश्त बढ़ाएं और एक सुरक्षा दीवार, उसके आगे सुरक्षा दीवार ना होने के कारण ये सारे जानवर यहीं पर बुल्लावाला दीवार लगाई जाए, यही मेरा विभाग से अनुरोध। हाथी जो है फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और काफी टाइम से हाथी आवाजाही बहुत ज्यादा हो गई है और इस वजह से सारी फसलों को आज रात इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हाथी ने। मेरी हमारा वन विभाग से यही निवेदन है कि रात को गश्त बढ़ाई जाए और जो सुरक्षा दीवार पास हो रखी है उस पर जल्दी से जल्द।